हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे चैनल मास्टर ऑफ करंट अफेयर्स एंड जीके में आप सबका स्वागत है। और आज है 17 अगस्त। 17 अगस्त की दो बड़ी अपडेट देखेंगे, जिसमें एक एलटीगेट शिक्षक भर्ती की अपडेट है और दूसरा अगला सीटेट 8 दिसंबर 2019 को होगा और इसके फॉर्म कब से भराए जाएंगे, पूरी अपडेट देखेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, क्योंकि लगातार आपको इस तरह की सारी अपडेट हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि नहीं आई जांच रिपोर्ट, अभ्यर्थियों में जो है निराशा है। तो पूरी खबर देखते हैं। एलटीगेट शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 पेपर लीक मामले की जांच रिपोर्ट पर ना मंत्री का आश्वासन काम आया, ना ही वाराणसी एसएसपी का वादा। वह मामले को जानबूझकर लटकाने का आरोप लगा रहे हैं। विरोध स्वरूप वाराणसी एसएसपी कार्यालय शक्ति प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। जांच रिपोर्ट जल्द जारी हो, उसके लिए प्रदेश भर के अभ्यर्थी वाराणसी एसएसपी कार्यालय का घेराव करेंगे। 29 जुलाई 2018 को एलटीगेट शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच वाराणसी एसटीएफ जो है टीम कर रही है। जांच रिपोर्ट जल्द जारी कराने की मांग को लेकर एलटीगेट समर्थक मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने अगस्त की शुरुआत में वाराणसी के एसएसपी से मुलाकात करके एसटीएफ की कार्रवाई तेज कराने की मांग की थी। तब एसएसपी ने अभ्यर्थियों से 15 अगस्त से पहले जाँच रिपोर्ट लोक सेवा आयोग भेजने का वादा किया था। इसके बाद अभ्यर्थी प्रदेश सरकार के प्रवक्ता व चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री सिद्धानंद से मिले। उन्होंने भी वाराणसी एसएसपी से हुई वार्ता का हवाला देकर 15 अगस्त से पहले जांच रिपोर्ट आने का भरोसा दिया था, लेकिन अभी तक जांच रिपोर्ट नहीं आई। बिना जांच रिपोर्ट आए आयोग परीक्षा का परिणाम जारी नहीं करेगा। इधर गुरुवार को अभ्यर्थियों ने आयोग के गेट पर ध्वजारोहण करके परीक्षा परिणाम जारी कराने को लेकर अंतिम सांस तक संघर्ष करने की शपथ ली है। मोर्चा संयोजक बीकी खान ने कहा कि हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है, इसके विरोध में शीघ्र ही आक्रामक कदम उठाया जाएगा। मोर्चा प्रतिनिधि अनिल उपाध्याय ने कहा कि सरकार हमारी भावनाओं से खेल रही है, जो उचित नहीं है। हक के लिए जो है न्याय के लिए अब आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा था कि अगर जो एसएसपी की जाँच रिपोर्ट जो 22 तारीख को अगर जो आपकी आ जाती है, तो संभवतः 27-28 को जो है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और केवल मंत्री जी का आश्वासन ही रह गया। और फ्रेंड्स, इस तरह से आश्वासन मिलने के बाद भी जब कोई काम पूरा नहीं होता है तो बहुत ही निराशा होती है आपके हम सब में। सही बात है कि जो है निराशा बहुत ज़्यादा हो जाती है कि हमने जितनी आस लगाकर इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे और उसका रिजल्ट जो उसका परिणाम कुछ भी हमें देखने को नहीं मिला है, तो इससे बड़ी जो है घोर निराशा क्या होगी। तो हम लोग आशा करते थे कि आ जाएगा, इसका रिज़ल्ट जल्दी आएगा और इसकी वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। तो चलिए देखते हैं कि अब 2-4 दिन में अगले क्या होने वाला है। और अब जो है आप लोग यहां पर देख ही चुके हैं कि किस तरह से जो है मोर्चा संयोजक बीकी खाने ने कहा कि हमारे साथ वादा खिलाफी हुई है और इसके लिए विरोध में ही शीघ्र ही आक्रामक कदम उठाया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि अब प्रतियोगी छात्र आगे क्या करते हैं और आप सब जो है इसमें जो है भागीदार बने, आप लोग भी वहाँ पर सहयोग करें जो है मोर्चा संयोजक का। दोस्तों, आज की ये एलटीग्रेड शिक्षक भर्ती की खबर थी। 2 दिन से कोई खबर नहीं आई थी, तो इसलिए मैंने कल तो कोई खबर ही नहीं थी, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो ही अपलोड नहीं किया था और मैं बाहर था। और फ्रेंड्स, अगली खबर देखते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगला सीटीईटी 8 दिसंबर को है और 19 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से कराई जाने वाली केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है यानी सीटीईटी इस बार 8 दिसंबर को आयोजित होगी। देश भर में 110 शहरों में 20 भाषाओं में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया आगामी 19 अगस्त से शुरू होगी। इसी दिन से विस्तृत सूचना बुलेटिन सीटीईटी की आधिकारिक वेबसाइट www.cbse.nic.in पर उपलब्ध होगा। ऑनलाइन आवेदन 19 अगस्त से 18 सितम्बर तक लिया जाएगा, जबकि 23 सितंबर दोपहर 3:30 बजे तक आवेदन शुल्क जमा होगा। सीटीईटी बुलेटिन में परीक्षा भाषाएं, पाठ्यक्रम, योग्यता मानदंड, परीक्षा शुल्क, परीक्षा शहर और महत्वपूर्ण तिथियों के संबंध में जानकारी मिलेगी। सीबीएसई के उम्मीदवारों को जो है सलाह है कि वह सीटीईटी वेबसाइट से ही सूचना बुलेटिन डाउनलोड करें और आवेदन करने से पहले उसे सावधानीपूर्वक पढ़ें। इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीटीईटी वेबसाइट के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये देख सकते हैं कि जो अगला सीटेट जो 8 दिसंबर को होगा और 19 अगस्त से इसके फॉर्म भराए जाएंगे और 18 सितंबर तक जो है ये फॉर्म भराया जाएगा और 23 सितंबर दोपहर 3:30 बजे तक इसका शुल्क जमा होगा।
और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप जो है www.cbse.nic.in पर जो है लॉगिन करके आप वहां से पूरा PDF डाउनलोड करके पूरी जानकारी पढ़ लेंगे, उसके बाद ही फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो दोस्तों आज की न्यूज़ यहीं पर समाप्त होती है, और वीडियो पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।